Assalamualaikum दोस्तों, आप देख रहे हैं सिग्मा एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब चैनल। बीपीएस 11, 9, 12, 13, 14 की पाकिस्तान में जितनी भी पोस्ट आती हैं, चाहे एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, एएसआई, लैब असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर, जितनी भी पोस्ट आती हैं उनकी तैयारी के लिए पास्ट पेपर की एक फुल क्रैश सीरीज आपके पेश नजर हम लोगों ने की है। इसमें आपके तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर होंगे और इंशाल्लाह ताला, और ये शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए आपके पास वक्त कम है, ये पेपर बहुत ही मुफीद है आपके लिए। और याद रखिएगा, टॉपर्स बच्चे हमेशा पास पेपर कवर करके जाते होते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट पास पेपर आपके पेश नजर है, नेक्स्ट पेपर अपलोड हो चुका है या जब आप फोन यूज कर रहे हो तो आपके सामने वीडियो आ जाए। पेपर नंबर 7 का पहला एमसीक्यू देखिएगा, टॉप पे देखिएगा। फर्स्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू, पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम था ट्रिगवे लाए, TRYGV ट्रिगवे LI लाए, ट्रिगवे लाए, इनका ताल्लुक नॉर्वे से था, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, करेंसी ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे करेंसी करोन है, KRONE, नहीं तो इंपॉर्टेंट एम सी यूज़ है ये। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नाउन एज, पार्लियामेंट बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है जतिया संसद, याद रखिएगा। और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा, और जो यूएस की पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। ये दो तीन एमसीक्यूज मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, कैपिटल सिटी ऑफ पेरू, तो कैपिटल पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा है, याद रखिएगा, पेरू लीमा। नेक्स्ट, ये दो एमसीक्यूज इनका क्लियर आंसर नहीं है इसको, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सेकेंड गवर्नर जनरल हमारे पास जॉन मैकफर्सन थे, कौन थे जी, जॉन मैकफर्सन, याद रखिएगा। वेयर इज सार्क फर्स्ट मीटिंग हेल्ड, सार्क की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी पहली मीटिंग, लेकिन सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, काठमांडू में है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अ सी पोर्ट, तो आंध्र प्रदेश इंडिया की सी पोर्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कारगिल वार हेल्ड, कारगिल वार कब हुई थी, 1999 में हुई थी, याद रखिएगा, 1999 में। नेक्स्ट, गुरुद्वारा रोड़ी साहब इज़ लोकेटेड इन अमीनाबाद इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो गुरुद्वारा रोड़ी साहिब हमारे पास गुजरांवाला में है, कहाँ है जी, गुजरांवाला में है, इंपॉर्टेंट एम सी यूज़ है ये। नेक्स्ट, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड एट द एज ऑफ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 65 ईयर्स की थी जब उनकी वफ़ात हुई। टॉप पे देखिएगा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचेज्ड मॉस्क लैंड एट मदीना फ्रॉम टू ऑर्फन्स, दो यतीमों से जो ज़मीन ख़रीदी थी मदीना मुनवरा में, तो वो किन से ख़रीदी थी, सिहाल एंड सुहेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ वाइट बीच इन ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, कैनबेरा, अदर, बेसिकली ये पूछा हुआ कि जो वाइट बीच है वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, तो वो क्वींसलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेफ्टी पिन वाज इन्वेंटेड बाय, सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट ने इन्वेंट की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये। नेक्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, कब हुई थी जी, 1789। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ RS 100 स्टॉक एट 4 डिस्काउंट व्हेन ब्रोकरेज इज़ 1/4% इज, तो इसको हल यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए अलग से प्ले लिस्ट जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह, चैनल को ज्वाइन करके रखें आप। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, आई एम सिक डैश ऑल दिस स्ट्रेस, सिक ऑफ होता है, ठीक है, सिक ऑफ होता है, आई एम सिक ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज गिवन बाई, स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाटसन क्रिक ने दिया था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है जी, एक इनपुट डिवाइस है। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाई डैश, जीरो किसने इन्वेंट किया था, जीरो आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था, याद रखिएगा, जीरो किसने इन्वेंट किया था, आर्यभट्टा ने। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज इन, ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान लार्जेस्ट इम्पोर्ट फ्राम, पाकिस्तान की लार्जेस्ट इम्पोर्ट कहाँ से होती है, अमेरिका से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट 10,000 स्कोर मेड बाई विच क्रिकेटर, पहले जो 10,000 क्रिकेटर बनाने वाले क्रिकेटर थे वो सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इंडिया के। नेक्स्ट, पाकिस्तान वॉन फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ, तो यूनस खान की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीते थे पाकिस्तान पहला। नेक्स्ट, UNO फाउंडेड इन, UNO 24 अक्टूबर 1945 मशहूर है ये। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, शी केयर्स डैश द एनवायरनमेंट, शी केयर्स अबाउट होता है, केयर्स अबाउट होता है। वैसे अगर आपने ये प्रपोजिशंस है ना जितनी भी इंपॉर्टेंट है, मैंने तकरीबन 30 से 35 हैं ये, अगर इनको कवर कर लें तो ये बार बार पूछ रहा होता है, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में चैनल के आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप,
Who was the last governor of British East India Company? तो British East India Company के last governor हमारे पास Lord Canning थे. कौन थे जी? Lord Canning. Next, which country is known as Land of Thousand Lakes? Finland है ये Land of Thousand Lakes. Next, which famous country is known as Pearl of Antilles? ठीक है, Pearl of Antilles Cuba को बोलते हैं. Pearl of Antilles Cuba को बोलते हैं, याद रखिएगा. Next, who declared as the Qadians as non-Muslim? तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये प्रॉपरली 1973 के आइन में ये हुआ था. मुसलमान की एक प्रॉपर डेफिनेशन आई थी और कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया था. नेक्स्ट, पैराडाइज इज मेंशन इन द कुरान हाउ मेनी टाइम्स? जो जन्नत का लफ्ज़ है वो 150 मरतबा कुरान मजीद में आया था, याद रखिएगा. कितनी बार आया था जी? 150. और जो जन्नत का वो क्या बोलते हैं उसे, जन्नत का जो दरोगा है उसका क्या नाम है जी? रिजवान है. ठीक है. नेक्स्ट, नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज कहाँ पे है? इस्लामाबाद में. बच्चे इसको मियाँ वाली वाले से कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस्लामाबाद में ही है. नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड इज कॉल्ड टेनरी. नेक्स्ट, एंड्री अगासी एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं जी. एंड्री अगासी टेनिस प्लेयर हैं अमेरिका के. नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ड्राइंग ग्लास और प्लास्टिक टू डायमीटर स्लाइटली थिकर देन ऑफ ह्यूमन हेयर. तो ये डेफिनेशन बताई गई ऑप्टिकल फाइबर की, जो कि टेली कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है. नेक्स्ट, विच रिवर फ्लो इन कैनेडा? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, मैकेंजिया, नेल्सन एंड फसारे. तो तीनों के तीनों ये कनाडा से में बहते हैं, ये मैकेंजिया भी, नेल्सन भी, फसारे भी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, व्हाट वाज द कॉज ऑफ, होता है कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू इज डैश ऑफ मोतीलाल. जवाहरलाल नेहरू बेटे थे मोतीलाल नेहरू के, याद रखिएगा, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू. नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग इज फर्स्ट अराइव्ड इन मून बाई फॉलोड इन मून ही फॉलोड बाई एल्ड्रिन. ठीक है, ही फॉलोड बाई एल्ड्रिन. तो पहले जो थे हमारे पास नील आर्मस्ट्रांग थे, उनके बाद कौन गए? एल्ड्रिन गए थे सेकंड नंबर पे, याद रखिएगा. नेक्स्ट, यूएस नेवल बेस इज इन, यूएस की एक नेवल बेस है जो कि इंडियन ओशन में है. नेक्स्ट, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री, ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर है जो कि साउथ अमेरिका में है ये. नेक्स्ट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पब्लिश कॉमरेड इन 1911 इन विच सिटी? तो जो कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर जो थे, उन्होंने कहाँ से शाया किया? कोलकाता से किया था जी, याद रखिएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब बाय लीप्स एंड बाउंड्स? बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब दिन दुगना रात दुगना, वेरी फास्ट. नेक्स्ट देखिए जी, पैसिव वॉइस ऑफ द रोल बीइंग इज कॉल्ड, पैसिव वॉइस ऑफ द रोल बीइंग इज कॉल्ड बाय मी. तो ये उन्होंने पहले ही पैसिव वॉइस दिया हुआ है. तो नेक्स्ट देखिए, मैजिस्टेरियल मीन्स, मैजिस्टेरियल का मतलब होता है अथॉरिएटिव. ठीक है जी, अथॉरिटेटिव, याद रखिएगा. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ इनक्लाइन, इनक्लाइन का मतलब होता है राइज, याद रखिएगा. नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ हॉटी, हॉटी का सिनोनिम क्या होता है? हम्बल, आजिज. हॉटी का क्या सिंबल होता है जी? हम्बल, याद रखिएगा. विच, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने बताया, मैं अलग से ये करवाऊँगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट, विच की इज़ यूज, लास्ट में देखें, विच की इज़ यूज फॉर लॉस्ट एक्शन? अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, याद रखिएगा. अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, इन टॉप पे देखें, इन विच समिट द नंबर ऑफ पेजेस? तो नंबर ऑफ पेजेस बेसिकली हेडर और फुटर में शो हो रहे थे, याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए, प्रोवर्ब अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब होता है लेवल, स्टैंडर्डाइज्ड जो है, अप टू द मार्क इसको बोलते हैं. कंट्रोल प्लस और ये ब्रैकेट दबाएं, राइट वाली दबाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट वाली दबाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, विच की इज़ यूज फॉर चेंज फॉन्ट? फॉन्ट चेंज करने के लिए इनहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ दबाना होता है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, याद रखिएगा. विच, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर एडिटिंग पिक्चर्स? तो कोरल ड्रा के अंदर पिक्चर्स एडिटिंग नहीं होती पिक्चर्स की. नेक्स्ट, नोट पैड यूज्ड फॉर ओनली, नोट पैड हमारे पास वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ वर्ड्स नोट पैड में हम टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन एम एस पावर पॉइंट यूज्ड ऑफ इमेजेस फॉर ओवर प्रेजेंटेशन सिलेक्ट थ्रू क्लिप बोर्ड एम एस लाइन. तो बोथ क्लिप क्लिप आर्ट से भी और एम एस ऑनलाइन से, दोनों से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? इमेज यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट अशर ऑफ रमज़ान इस कॉल अशर रहमत, पहला अशर रहमत का होता है, दूसरा मगफरत का और तीसरा निजात का. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाई हुक और बाई क्रूक? बाई हुक और क्रूक का मतलब बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से. नेक्स्ट, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अर्लियर पार्टिसिपेट इन वॉर ऑफ? सबसे पहले
किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, तो हर्ब फिजार सबसे पहली जो जंग थी वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी। इन सूरह अहज़ाब विच सहाबी नेम के, तो सूरह अहज़ाब के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आया, ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। नेक्स्ट, रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू बकर का जो रियल नेम है वो क्या नाम है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला। नेक्स्ट, होली प्रॉफिट पीस यू अपॉन हिम नेम मोहम्मद वा सजेस्टेड बाई, तो ये जो नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सजेस्ट किया था आपको। नेक्स्ट, मदनी सूरह रिलेटेड अबाउट गज़वात इन विच पीस भी अपॉन ए पार्टी, मदनी सूरत बेसिकली गज़वात के बारे में है जो जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एवरी ट्रिक इन द बुक, एवरी ट्रिक इन द बुक का मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर मुमकिन तरीके को अपनाना। नेक्स्ट, लास्ट में देख लें आप, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स द पंजाब ऑन डैश एंड इनकॉर्पोरेटेड इट विद इन ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर पंजाब को कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शामिल किया था, 1849 में किया था जी। कब किया था, 1857 जंग आज़ादी है ना जी, 1857, तो उसके 8 साल पहले 1849 में, 2 अप्रैल 1849 में, आप ये तारीख सिर्फ सन याद कर लें, 1849। नेक्स्ट देख लें, तलमीह की निशानदेही करें, इब्ने मरियम, तलमीह उसको बोलते हैं जो शेर में यूज़ हो रही है जो कि एक पूरे वाक्य की तरफ निशानदेही करे। अब इब्ने मरियम है, इब्ने मरियम एक पूरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाक्य है उसकी तरफ ही निशानदेही करे, तो ये तलमीह होती है इब्ने मरियम, इस तरह का कोई लफ्ज़ यूज़ कर देना जो कि किसी वाक्य की तरफ निशानदेही कर रहा हो। अमाज गाह का मतलब ये, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट, दिल दरिया समंदर, दिल दरिया समंदर, वासिफ अली वासिफ मशहूर मुसन्निफ़ हैं, उनकी एक तसनीफ़ है दिल दरिया समंदर। नेक्स्ट देखें जी, पुट विद अप, पुट विद अप का मुहावरा है, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, पुट विद अप बर्दाश्त करना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, ये किसका शेर है, मिर्ज़ा गालिब का है जी। शिकवा और जवाब शिकवा, शिकवा और जवाब शिकर शिकवा अलामा इकबाल की नज़म बाग दरा में आए ये, ठीक है। रसाला इसबाब बगावत हिंद किसने लिखा है, सैयद अहमद खान ने लिखा है। उल्लू बोलना, उल्लू बोलना का मतलब होता है वीरानी होना, याद रखिएगा, उल्लू बोलना वीरानी होना। लास्ट देखें जी, गुडड़िया तसनीफ़, गुडड़िया एक तसनीफ़ है उनके मुसन्निफ़ कौन, इशफाक अहमद ने गुडड़िया एक ये उनकी तसनीफ़ है, ये लिखी है उन्होंने गुडड़िया इशफाक अहमद, याद रखिएगा। डेट्स ऑल फ्रॉम दिस पेपर, मिलते हैं जी नेक्स्ट पेपर में, कीप सपोर्टिंग, अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा और सजेशन ज़रूर दिएगा अगर आपको किसी तरह की और इसके अंदर मोडिफिकेशन चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वेलकम, ओके।